दिल्ली विकास प्राधिकरण ने मास्टर प्लान 2021 का अंतिम ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। ड्राफ्ट में जो 5 बड़े संशोधन है उससे दिल्ली के कारोबारियों पर लटक रही सीलिंग की तलवार हट गई है। संशोधन के प्रस्ताव पर मंजूरी की अंतिम मोहर LG अनिल बेजल लगाएंगे, जो कि DDA के अध्यक्ष भी हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली में गैरकानूनी निर्माण कार्यों पर धड़ल्ले से सीलिंग की कार्यवाही चल रही है, मगर दिल्ली के मास्टर प्लान 2021 में फ्लोर एरिया रेशियो को 150 से बढ़ाकर 350 तक किया जा सकता है। रिहायशी और व्यवसायिक क्षेत्रों में समान FAR लागू होने पर 90% दिल्ली वाले सीलिंग की कार्यवाही से बच जाएंगे। इसके अलावा कन्वर्जन चार्ज भी इलाकावार तय किया जा सकता है। इसी तरह अगर पुराने बाजारों में दुकानों के पास पार्किंग के लिए जगह उपलब्ध नहीं होगी तो सामुदायिक पार्किंग बनाई जाएगी। बेसमेंट में पार्किंग बनाने वालों को विशेष छूट दी जाएगी। इसी तरह दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में बने गोदामों तक पहुंचने वाली सड़कों की चौड़ाई की सीमा को भी खत्म किया जा सकता है। मास्टर प्लान 2021 में एक प्रस्ताव ये भी है कि रिहायशी इलाकों से अब रेस्टोरेंट और खानपान की दुकानों को हटाया जाएगा।